आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड सेकेंड सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के युवा बल्लेबाज एलेक्स कैरी ने कमाल का जज्बा दिखाया है और चोटिल होने के बाद भी खेलते रहे। कैरी को तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर की गेंद लगी और वो चोटिल हो गए। उनके मुंह से के खून भी आया, फिर भी वो पट्टी बांध कर खेले और अपनी टीम के लिए अच्छी पारी खेलते हुए कमाल की साझेदारी भी कर डाली। इंग्लैंड के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया ने 14 रन पर अपने 3 विकेट गवा दिए थे और फिर 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करने टीम के युवा विकेटकीपर बल्लेबाज एलेक्स गैरी आए। उन्होंने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 70 गेंदों पर 46 रन बनाए। इस पारी की सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने बेहद नाजुक मौके पर अपनी टीम के लिए रन बनाए और क्रीज पर टिक कर विकेट के पतन को रोका। एलेक्स गैरी जिस वक्त आउट हुए उस वक्त कंगारू टीम का स्कोर 117 रन पहुंच चुका था। बेशक कैरी बड़ी पारी नहीं खेल पाए, पर उनकी इस पारी उनकी टीम के लिए जरूर खास रही। कैरी अपने अर्धशतक से 4 रन से चूक गए और अपनी पारी के 4 चौकों को भी शामिल किया। चौथे विकेट के लिए उन्होंने टीम के अनुभवी बल्लेबाज स्टीव स्मिथ के साथ मिलकर शतकीय साझेदारी की। इन दोनों बल्लेबाज ने 103 रन की साझेदारी करते हुए टीम को मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकाला। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत काफी खराब रही। टीम के शुरुआती 3 बल्लेबाज सिर्फ 14 रन की जोड़ पाए। डेविड वार्नर 9 रन बनाकर आउट हुए, जबकि फिंच अपना खाता खोले बिना ही पवेलियन लौट गए। हैंड स्कॉप भी 4 रन ही बना पाए। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से विश्व कप के सेमीफाइनल में शतकीय साझेदारी करने वाली तीसरी जोड़ी बने स्टीव स्मिथ और एलेक्स कैरी।